अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका आशिक फरहान और आप देख रहे हैं फंटास्टिक शो। आई होप, आई श्योर, आई प्रे कि आप जहां पर भी हैं खुश हैं, आबाद हैं। लेकिन आज जहां पर मैं मौजूद हूं वो कोई आम जगह नहीं, जहां पर 100 साल जो मुगलिया दौर के अंदर हुकूमत करने वाले जंगीर का मकबरा, यहां पर हम मौजूद हैं। आज टॉम्ब ऑफ जंगीर है और यहाँ पर जो आपकी पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पर आज हम आपको सैर करवाएंगे और काफ़ी जो है वो तारीखी जगह जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको यहाँ पर जितना भी है यहाँ की तारीखी जगह वो आपको वहाँ की सैर करवाएंगे। देखते रहिए फैंटास्टिक शो। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आ चुके हैं और आप देख रहे हैं फैंटास्टिक शो। मैं इस वक्त जो है जंगीर के मकबरे के पास खड़ा हूं और आज हम स्पेशल आए हैं आपके लिए यहां पर जंगीर का मकबरा और तारीखी जगह आपको दिखाने के लिए। आइए ज़रा आपको जंगीर का मकबरा दिखाते हैं। ये वो मकबरा है, ये वो ऐसे मुगलिया दौर के वो बादशाह हैं जिन्होंने 100 साल जो है हुकूमत की, लेकिन फिर भी अरूज के बाद इनके ऊपर जवाल आया। आइए इनकी आपको ज़रा टॉम दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं टॉम्ब ऑफ जंगीर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक मौजूद है। यहाँ पर मैं जब एंटर हुआ तो यहाँ पर मैंने देखा कि लोगों ने टॉम्ब ऑफ जंगीर को जो है वो क्रिकेट का मैदान बना लिया। अगर आपको कैमरामैन दिखाई दे रहा वो दिखाइएगा कि क्रिकेट का मैदान यहाँ पर बना लिया गया है इस टॉम्ब ऑफ जंगीर को। पब्लिक यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक भाई मेरे साथ मौजूद है, मुझसे क्वेश्चन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। तो आप यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं कि क्रिकेट के लिए आए हैं? जी, हम इधर घूमने फिरने आते हैं, टिकट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारा पास ही है वो टिकटॉक स्टार। कितने हो गए हैं जो है वो लाइक्स और जो फॉलोअर्स? फॉलोअर्स 20 के हो गए हैं और लाइक्स 100 के हो, मतलब टिकटॉक स्टार बन गए हैं। लो जी भाई जान जो है ये हमारे साथ टिकटॉक स्टार हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी जो है वक्त है आपको टॉम्ब ऑफ जंगीर दिखाने का, क्योंकि असल हमारा मकसद यहाँ पर आने का यही था कि हम आपको यहाँ पर तारीखी जो है वो जगह दिखाएं। तो आइए आपको तारीखी जगह दिखाएं। टॉम्ब ऑफ जंगीर जाने से पहले मुझे कुछ दो भाई मिले, उनको भी इंटरव्यू देने का शौक है, तो मैंने कहा चले हर एक का शौक होता है कि हम कुछ बनाए, तो हमारा भी एक वक्त शौक था बनाए। लेकिन आप जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है? फियान खालिद। क्या करने आए हैं सर? वैसे ही वीडियो बनाने। आप भी उन भाई की तरह टिकटॉक है? कितने हो गए आपके वीडियो है ना सब्सक्राइब? बढ़िया फॉलोअर भाई, तो इकट्ठे मिलकर बनाते हैं। तो पब्लिक जो आपकी वीडियोस पसंद कर रही है क्या? पहले पसंद कर रही थी, अभी फिलहाल तो बहुत टिकटॉक ये बहुत जो है ना बात है। जी भाई आपका क्या नाम? कामरान। आप भी इनके जो है दोस्त? तो आपने कोई पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई करने की कोशिश की? जी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में अभी कदम रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह जरूर मैं पॉलिटिक्स में अभी कदम रखा, इंशाल्लाह मजीद मैंने और कदम रखा। तो क्या स्टडी है आप? मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए। सेकेंड ईयर की पेपर देंगे, तो शौक है आपका पॉलिटिक्स में आने का? तो LLB करना है, इसके बाद के क्या करने की आपके लिए? LLB का तो बाबा का शौक है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा शौक है ना पॉलिटिक्स का। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ बनाने हैं, मुझे वीडियो का मेरे दोस्तों के साथ शौक है कि ज़रा जस्ट पाने के लिए वीडियो बनानी है। शुक्रिया सर जी। अब हम अपने अपनी जी ये टॉम्ब ऑफ जंगीर के बाहर के जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, इस वक्त क्या हाल हो चुका है टॉम्ब ऑफ जंगीर की बाहर की द्वार का। और ये बकायदा अगर आप नीचे देख रहे हो तो कितना गंदा है, और बाहर जो है वो गंदा पानी का तालाब जो है वो अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसके बाद आपको दिखाई देते हैं। देखें दरवाज़े जो हैं वो बंद हैं और काफ़ी पुराने, जिस तरह के आपको पता है ये बहुत ही पुराना जो है जंगीर के मकबरा है।